मेरा बच्चा हृदयांश शर्मा जो कि एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की जीन से प्रभावित रोग है, इससे पीड़ित है। ये बच्चा बिल्कुल 8 महीने तक बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल बच्चों की तरह इसमें सिटिंग 6 महीने की ये सिटिंग इसकी बहुत अच्छी थी, अच्छे से बैठने लग गया था। फिर इसके ये हम इसको खड़ा करते थे तो ये 1 साल का हो गया, लेकिन खड़ा भी नहीं हो पाता था, पकड़ करके भी खड़ा नहीं होता था। इसलिए हमने इसको दिखाना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले इसको बेबी लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर सीतारमन जो डिले डेवलपमेंट के हैं उनको इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो कंटिन्यू 1 साल से चल रहा है। और उन्होंने हमें नॉर्मल एक मसल प्रॉब्लम बताकर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जो फिजियोथेरेपी गाइड करी, जो हम कंटिन्यू 8-9 महीने से इसको थेरेपी करा रहे थे। और इसके लिए कोई भी बिल्कुल भी इसके लिए 1% फ़ायदा नहीं हुआ। इसको देखते हुए हमें फिर इसका डॉक्टर चेंज किया, जो हमने डॉक्टर शरद शर्मा फोर्टिस हॉस्पिटल में वहाँ से इनका ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने हमें एक इसके लिए इसको देखते हुए एक जांच लिखी, जो कि एक SMA सेकंड जांच थी। मैं ये जो बीमारी है ये डिटेक्ट हुई और उस डिटेक्ट को लेके हम उसको काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए, जैसे हमने JK लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशु माथुर के पास गाइड किया। वहाँ उन्होंने हमें इसका सिर्फ एक इंजेक्शन जो जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, जो हमें गाइड किया कि ये इसी से ही नॉर्मल हो सकता है और दिनों दिन ये बीमारी फिर इसकी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, हमारा बच्चा 20 महीने का हो गया है और हमें जो डॉक्टरों ने बोला है कि इसका ट्रीटमेंट ओनली 24 महीने तक पॉसिबल है। अगर वो इंजेक्शन 24 महीने तक इसको नहीं लगा तो इसकी बीमारी और बढ़ेगी, जो कि इसके फेफड़ों को भी इन्वॉल्व करेगी, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको खाना पीना सब बंद हो सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी राज्य सरकार केंद्र सरकार सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन की व्यवस्था करें। ये एक तरीके से देश का भविष्य है, अगर ये सही तरीके से सही हुआ, बिल्कुल अच्छे से चलने लग गया तो इसके लिए अच्छा होगा, इसका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा और हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सब इससे बहुत दुखी हैं। मेरा हम मसारी से हैं, कठुमर मसारी के पापा क्या काम है? के पापा डी जिले में अभी पहाड़ी में सब इंस्पेक्टर हैं। नरेश शर्मा, क्षमा शर्मा, बच्चे का क्या नाम? बच्चे का हृदयान शर्मा। अगर इसको ट्रीटमेंट समय पे नहीं मिलता है तो क्या गंभीर घटना हो सकती है? गंभीर घटना जो हमने दिल्ली एम्स में भी इसको लेकर गए, वहाँ भी इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक वो लगभग 17 करोड़ का इंजेक्शन ही बताया है। हम उसको, हमारी एक नॉर्मल फैमिली है और इतना रुपए का एक अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार कोई भी इतना रुपए अचीव नहीं कर सकता। तो मेरी इसमें हमारी सरकार हमारे लिए आगे आए, हमारी हेल्प करे, भामाशाह योजना सारी जो भी है, केंद्र सरकार राज्य सरकार सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी बच्चे की मदद कीजिए, जिससे इसका फ्यूचर सिक्योर हो। हम सब नहीं देख पा रहे हैं अपने बच्चे को और आगे आगे इसकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब हमें खुद ने देखा है कि हमारा बच्चा अच्छे से सिटिंग भी नहीं हो पा रही है, अब ज़्यादा सिट बैठता है तो तुरंत ही डाउन होकर लेट जाता है। तो इससे हमें लग रहा है कि इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी सुने और हमारी मदद करे। जो ये हृदयांश बच्चा है, ये बच्चा स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी नामक एक बीमारी से ग्रसित है। जो स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी बीमारी होती है, इसमें जो बच्चे की नर्व्स होती हैं वो कमज़ोर पड़ती जाती हैं, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उससे उसके साथ में उसकी कमज़ोरी बढ़ती जाती है। ज़्यादातर ये बच्चे जब पहले प्रेजेंट करते हैं तो इनके पैरों में कमज़ोरी की वजह से प्रेजेंट करते हैं और जो कमज़ोरी धीरे धीरे बढ़ के इनके स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स को इन्वॉल्व करके इनको सांस की समस्या आने लगती है और इनको बार बार निमोनिया होकर के ये सीरियस होकर के वेंटिलेटर पर आ जाते हैं और उसके बाद इनके मृत्यु का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर पेशेंट जो इस सिम्टम्स लेके आते हैं, वो लेके आते हैं कि बच्चे ने बैठना नहीं शुरू किया जो नॉर्मल एज पे एक्सपेक्टेड था, या उसकी जो एज पर 1 साल पे उसको चलना चाहिए उसने चलना नहीं शुरू किया। जब इनको हम इवैल्यूएट करते हैं तो इनके लिए एक टेस्ट होता है जिसमें हम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जीन के कॉपी नंबर्स देखते हैं, अगर उसमें कमी आती है तो उससे इस बीमारी की पुष्टि की जाती है। इस तरह की जो बीमारी है उसका प्रिवेंशन किस प्रकार से हो सकता है?
हाँ, ये इन बीमारियों के प्रिवेंशन पे ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अगर किसी परिवार में जब ये बीमारी होती है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक डिफेक्टिव जीन फादर से और एक डिफेक्टिव जीन मदर से आया है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि हर 40 से 60 में एक इंसान स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का जीन डिफेक्ट कैरी कर रहा है, बट उनको पता नहीं होता क्योंकि एक जीन की कॉपी नॉर्मल होने की वजह से उनमें लक्षण नहीं आते। जब किसी ऐसे इंसान की शादी ऐसे इंसान से हो जाती है जो सेम जीन का डिफेक्ट कैरी कर रहा है, तो उनके बच्चों में ये 25% संभावना होती है कि उनका बच्चा इस बीमारी को से ग्रसित होगा, और 50% संभावना होती है कि ग्रसित नहीं होगा लेकिन कैरियर होगा, अगली पीढ़ी में ले जाएगा, और 25% संभावना होती है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, इवन दोनों पेरेंट्स भी डिजीज कैरी कर रहे हैं। तो आजकल कुछ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जिससे 14 से 18 वीक पे मदर के पेट का पानी लेके, जिसमें मदर के पेट में जो यूट्रस के अंदर वाटर होता है जिसको हम एमनियोसिंथेसिस और कोरियोनेफिला सैम्पलिंग बोलते हैं, वहाँ पे जो फीटस की सेल होती है उसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा ग्रसित होगा या नॉर्मल होगा। अगर बच्चा ग्रसित है बीमारी से तो ये पेरेंट्स की इच्छा है कि वो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, टर्मिनेशन करना चाहते हैं, और बच्चा नॉर्मल है तो हम एक नॉर्मल बच्चे को जन्म दे सकते हैं। भगवान जी प्लीज मेरे भैया को ठीक कर देना, वो चल नहीं पाता है, इससे मैं बहुत सैड हूँ और वो दिन भर बैठा रहता है। क्या? अगर वो चलने लग गया तो मैं उसके साथ जी भर के खेलूंगा।